18 साल बाद पाकिस्तान से गाड़ियों की बरामद का सिलसिला शुरू हुआ है। कल पहली खेप भिजवाई है हिनो पाक ने 25,000 बसेस की मुत्तहिदा अरब अमारात। कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए गाड़ियों की बरामदात, और आपको क्या लगता है कि हमारे ऑटो सेक्टर में कौन कौन सी कंपनीज है जो कम्पीट कर सकती है और बरामद करने की गुंजाइश कम अज कम रखती है? देखिये, जैसे पहले मैंने अर्ज किया कि यहाँ पे मैनुफेक्चर इतने ज्यादा नहीं है, 3 या 4 बड़े मैनुफेक्चर है जिनका जो मार्केट शेयर है वो पूरी मार्केट को होल्ड करता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जिस बात की जरूरत है वो ये है कि यहाँ पे ऑटो की जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, उसको इतना जो है वो कंड्यूसिव बना दिया जाए कि आपके जिस तरह इंडिया में हुआ, आप देखें इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में आके प्लांट लगा रहे हैं और वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हो सकता है या कंड्यूसिव एनवायरमेंट हो जहाँ पे इंडस्ट्री है उसको सब्सिडाइज रेट्स पे चीजें मिले, एनर्जी अवेलेबल हो, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे एक्सपोर्ट का पोटेंशियल बहुत है और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी एक बहुत बड़ा जरिया हो सकता है। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद हमें ज्वाइन करने के लिए।